मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर में सब कुशल होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया है। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत ऐसे हो रही है ना कि नहा के पूजा तो कर ली है, पर घर के बाकी काम नहीं करे हैं। मतलब झाड़ू पोछा कर लिया है, बट बहुत सारी क्लीनिंग वगैरह करनी है जो कि मैं शाम को करती हूँ, बट अभी आज मैं मॉर्निंग में करूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है। कल कुछ किया नहीं था इसीलिए अभी मुझे मॉर्निंग में ही करना है, और टाइम भी मेरे पास है, बचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो दोपहर का खाना बनाते बनाते ये वाले काम भी करती हूँ, रेस्ट उसके बाद करूँगी शाम के समय जब दक्ष ट्यूशन चले जाएगा। तो फिलहाल तक की न्यूज़ यही है कि मैं तो उठ चुकी हूँ, बट दक्ष ना बेड में ही है, मतलब वो भी उठ गया है, अभी थोड़ा सा फ़ोन चला रहा है। अब उसको दूध वगैरह गर्म करके देती हूँ, नाश्ता करवाती हूँ, उसके बाद वो भी नहाएगा और क्या कहते हैं रेडी होगा, फिर आप लोगों से मिलेगा और पढ़ाई करने के लिए बैठेगा, और कल है उसका एग्ज़ाम, और उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। और आज खाने में मैंने सोचा हल्का फुल्का कुछ बनाते हैं, लाइक खिचड़ी टाइप का बनाते हैं, पुलाव टाइप का कुछ ऐसा ही बनाते हैं, लाइट 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 नाश्ता। और मुझे तो कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, फ्रूट्स खाने का मन कर रहा है, फ्रूट्स हो गए खत्म, तो शाम को मैं जहाँ तक है जाऊंगी और बाहर से पपीता लेके आऊंगी। आप लोगों को पता है कि मुझे पपीता बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वही लेके आऊंगी, और पेट के लिए सबसे अच्छा होता है। मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत पेट से ही होती है। तो ये अभी तक की न्यूज़ है। और वॉशिंग मशीन मैंने चलाई हुई है जो कंप्लीट होगी थोड़ी देर में, तो कपड़े छत में डाल देंगे। बस आज वही डेली का व्लॉग है, कुछ ऐसा खास है नहीं, खास होगा तो पता चल जाएगा, हमसे पहले आप लोगों को पता चल जाता है कंटेंट में। हम लोग तो स्टार्ट होते हैं जब सुबह होती है, स्टार्ट करते हैं व्लॉग, तो हमें कुछ पता नहीं होता है कि आगे जाके क्या होगा, लेकिन आप लोगों को कंटेंट देख के पहले ही पता चल जाता है। तो जैसा भी होगा आप लोग अपना प्यार देते रहना, और बस यही है। और जल्दी जल्दी जो है दक्ष के गाने की, नए गाने की शूटिंग होने वाली है, आप लोगों को बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। इस बार हम लोग कोशिश करूंगी अगर शूट कहीं आसपास होगा तो मैं भी शूटिंग में जाऊं और आप लोगों को दिखाऊं किस तरीके से शूटिंग होती है। तो जैसा भी होगा जितना ज़्यादा पॉसिबल, मेरे अंदर ना पता ये रहता है कि जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उतना ज़्यादा मैं आप लोगों को क्रिएटिविटी, एक्टिविटी जितनी भी लाइफ में होती है वो आप लोगों को दिखाऊं, आप लोगों को जो चीज़ अच्छी लगे उससे कुछ आप लोग भी सीखो, और आप लोगों के कमेंट आए तो उससे हम लोग भी कुछ सीखें अच्छा अच्छा वाला। तो ये मेरी कोशिश रहती है ताकि आप लोग इसी ज़रिए हमसे जुड़े रहें। बाकी देखते हैं आगे क्या क्या होता है, जो जो होगा सो सो दिखेगा। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है दक्ष कार की, तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब? वेलकम बैक माय चैनल। सुबह हो गई है, मस्त नहा धोकर रेडी हो गया हूँ, और अभी टाइम आ गया पढ़ाई वगैरह करने का क्योंकि कल है मेरा मैथ्स का एग्जाम, तो मस्त करके चले जाता हूँ अंदर। और साथ ही मैं बताइएगा आप कैसे हो कमेंट में। और तो खैर मम्मी अपनी दोस्त से बात कर रही है और साथ ही मैं काम भी कर रही हैं, और मैं थक गया चलने में, चलते चलते थक गया मैं। सबसे पहले भागते भागते ऊपर गया छत में, उसके बाद फिर छत से नीचे आया भागते भागते वो वाले रूम में गया, वहाँ से किचन में गया, किचन से यहाँ पर आया, तो सीढ़ियों में सबसे ज़्यादा थक गया मैं। चलो फिर अब तो मस्त करके मैं रिवाइज कर लेता हूँ, और आप कहाँ कहाँ से देखते हैं बताइएगा कमेंट में। तो आज मैं पहले बोल देता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, डिसलाइक मत कीजिएगा, सब्सक्राइब मत कीजिएगा। और चलो फिर अभी तो खैर मैं पढ़ाई करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलूँगा, ये मेरा हमेशा का कमेंट है, इसके बाद आपसे मिलूँगा। बहुत सारे पार्सल आ रहे हैं, दो पार्सल ये हैं, दो पार्सल मेरे सुबह आ चुके हैं, और दो तीन पार्सल मैंने रिटर्न भी कर दिए, आए हैं बट अच्छे नहीं आए, तो मैंने रिटर्न करने के लिए डाल दिया है। बाद में बताऊंगी आप लोगों को कि सब सामान जो भी मैं मंगा रही हूँ क्यों मंगा रही हूँ और मैंने क्या क्या मंगाया, जो अच्छा है वो मैं रखते जा रही हूँ खोल खोल के देख के, और आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। फिलहाल दक्ष ऊपर कर रहा है अपने म्यूजिक का रियाज, और आज मैंने निकाल दी है यहाँ पर मैगी। आज हम लोग बनाएंगे मैगी प्याज टमाटर हरी मिर्च और मटर वाली मैगी, और मैं अपना स्टाइल आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ करके। फिलहाल दक्ष ऊपर म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहा है, थोड़ी देर में नीचे आएगा तब बनाएंगे। कपड़े भी मैंने छत में सारे के सारे फैला दिए, मैं बैठी हूँ और अपना व्लॉग का कुछ काम कर रही हूँ। मैंने रख दी मैगी बनाने के लिए, आप लोगों ने देखा मैंने कैसे बनाई, और तीन पैकेट मैगी बनाई, तो दो पैकेट मैगी मसाला मैंने साथ में डाल लिया है, थोड़ा हल्दी नमक मिर्च भी डाला है, और एक पैकेट मैगी मसाला। जब मैगी बन जाएगी और जब हम बंद करेंगे, एक मिनट बचेगा बंद करने में, पानी सूख जाएगा, तब उसके ऊपर से ऐसे डालेंगे और फिर एक मिनट फिर चला के एक मिनट रख के बंद कर देंगे उसको, हमारी मैगी हो जाएगी रेडी। तो ये मेरा तरीका था जीरे वाली मैगी बनाने का। तो बाकी सबके अपने अलग अलग मैगी बहुत तरीके से लोग बनाते हैं, आज हम लोग भी बहुत टाइम के बाद खा रहे हैं, अदरवाइज़ हम आटा नूडल्स लेके आते हैं वो खाते हैं, मैगी बहुत कम लेके आते हैं, और लाते भी हैं तो ऐसे तो हमने कभी बनाया ही नहीं कि हाँ दो तीन पैकेट बना दिए, बहुत टाइम बाद बना रहे हैं। तो अभी खाएंगे इसको आराम से, भूख भी लग गई है मुझे। ये मैगी पकने वाली है, अब इसमें जो एक पैकेट बचा था वो इसमें हम डाल देंगे, थोड़ा सा पानी बचा है
थोड़ा सा पानी वाली मैगी अच्छी लगती है हम लोगों को। ये रहा, अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर में गैस बंद कर देंगे, मतलब कुछ सेकंड के बाद, 20-30 सेकंड में, आधे मिनट में। बहुत टेस्टी लग रही है। थोड़ा सा धनिया डालते हैं इसके ऊपर और नींबू डालते हैं और खाते हैं। और ये घी है जो मैं आज बना रही थी, इतना घी करीबन मेरा बना है घर का। और यहाँ पर ये देखिए टेस्टी टेस्टी मैगी रेडी है। ट्यूशन जाने का, चलो फिर। मम्मी और मैगी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, मस्त करके खा ली, मैंने पेट भर गया। मम्मी यहाँ पर अपने आगे थे, काम कर रही है, आंगन साफ कर रही है। दूसरे फिर हफ्ते में ट्यूशन चलता हूँ, यहाँ से बैग ले लेता हूँ। वैसे जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है वो निकाल देता हूँ। ये तो ट्यूशन की कॉपी, ये तो नहीं पढ़ना। मैथ्स का कल मेरा एग्ज़ाम, तो मैथ्स ही ले आऊँगा। धीरे से चलता हूँ। कड़ा, चलो फिर। ये क्या हुआ है? ये बदा कैसे, ये कैसे बदा अपने आप बच गया? मम्मी ये खोल दो तो, पता नहीं अपने आप गांठ बन गई बैग में। हाँ अपने आप। अरे ये मैंने बांधा था। क्यों? वो हम लोग रास्ते में बैग ले गए थे ना, कहीं इसका फीता नीचे ना लटक जाए करके। कब आ दिया आप, मेरे को तो पता कल नहीं चला। जब मैंने बैग ऐसे आगे रखा था तब। चलो जाओ जाओ जाओ, मेरे बहुत सारे काम है अभी, मैं अपने काम ही करूँ। और ये शर्ट यही रह गई। और अभी ना हम लोग जल्दी नेक्स्ट ट्रिप में भी जाने वाले हैं, तो आप लोग तब तक गेस करना कि हम लोग कहाँ जाएंगे। इसको बंद करो। और इस वाली ट्रिप में अभी ना हम कहीं और जाने वाले थे, बट हम कहीं और गए। आप अभी आप लोगों को बताएंगे नहीं कि कहाँ जाने वाले थे, जब वहाँ जाएंगे तभी बताएंगे, वरना आप लोग फिर नेक्स्ट एग्जाम के बाद भी तो एक जगह पर। चलो जाओ, कान सुनो कर दिया। चलो जाओ बेटा जाओ अच्छे से। अरे रुक जाओ, वो लेके जाओ प्रसाद, लेके जाओ आंटी और अंकल के लिए। इसको प्रसाद दे देती हूँ मैं। मित्रों यहाँ पर हमारा रात का खाना बन गया है, जिसमें मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी। और करीबन 7-7:30 ऐसे कुछ बज रहे हैं। दक्ष खेल के आया, उसके बाद म्यूजिक की क्लास करके फिर दोबारा से खेलने के लिए चले गया था। ट्यूशन से आने के बाद मतलब थोड़ी देर खेलने गया, 10-15 मिनट, फिर इसके सर आ गए थे, उसके बाद इसने अपनी म्यूजिक की क्लास करी, फिर गया खेलने के लिए। और मैं भी अपने घर के काम में लगी थी, डेली जो ही होता है, फूलों में पानी वगैरह डालना डूलना। 7 बज रहे अभी। सब्जी मैंने बना दी है लौकी की, सिंपल सी सब्जी, और आटा गूंथ के मैंने जो है और रख लिया है। अभी मैं जा रही हूँ अंदर की तरफ पानी लेके, एक गिलास नींबू पानी है, तब आप लोगों को थोड़ा सा सफ़ेद दिख रहा होगा। और सब्जी बस 2-3 मिनट में मेरी बन जाएगी। दक्ष यहाँ पर अपनी कर रहा है पढ़ाई, और आज दूध नहीं है इसको देने के लिए, तो मखाने थोड़े से फ्राई करके दिए हैं, थोड़े से मैंने खाए थे, थोड़े से मैंने इसको दिए। बेटा वाला पर्दा अच्छे से लगाओ खिड़की का। और इतना सारा सामान आया ना ऑनलाइन, तो अब मैं वीडियो बनाऊंगी जल्दी, या क्या पता ये ब्लॉग आने से पहले मैं वीडियो अपनी बना भी लूँ और उसको अपलोड बाद में करूँ, या ऐसा कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ऐसी कुछ भी चीज़ें होती हैं, आपको समझ में भी आता है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लिया करो कि कुछ ऐसा रहता है, क्योंकि चीज़ें रिटर्न करनी होती है, तो मैं ब्लॉग पहले भी बना लेती हूँ या वीडियो पहले बना लेती हूँ, अपलोड बाद में करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। ये क्या था? खाना खा लिया है। दक्षी पढ़ाई भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, सारे मैथ का जितने भी क्वेश्चंस वगैरह थे सब कुछ इसने देख लिए हैं, सारे सॉल्व करके देख लिए हैं। और नेक्स्ट ट्रिप में जाने के लिए एक्साइटेड है। उठ तो एक सेकंड, उठो उठो उठो। अब ये बता नेक्स्ट ट्रिप में जाने के लिए एक्साइटेड है? हाँ, फ्रेंड्स आपको नहीं पता कब जा रहे हैं। उठो तो सही पहले अच्छे से। फ्रेंड्स आपको नहीं पता हम कब जा रहे हैं, लेकिन मेरे को पता है, और मेरे को ये भी पता है कि कहाँ जा रहे हैं। ये बता कि कल कितना मजा आया? इतना मजा आया, इतना मजा आया, इतना मजा आया, सबसे ज्यादा नहाने में मजा आया। और बस नहाने में, बस नहाने में मजा आया, इधर उधर ट्रैवलिंग में, आने जाने में ठीक ठाक मजा आया, खाने में ठीक ठाक, भगवान जी के दर्शन करने में बहुत बढ़िया, लेकिन नहाने में सबसे ज्यादा मजा नहाने में। हाँ नहाने में पहले लग रहा था इतना ठंडा ठंडा पानी है, अंदर जा रहा था पहले एकदम। और किस चीज की कमी लग रही थी? नानी की। मैं वहां पर ऐसे जा रहा था, इतना घुमाया, रुको तो सही, इतना घुमाया फिराया, इतना कुछ करा, लास्ट में बस बोल दिया नानी की कमी। और मैं बताऊँ, पहले तो पानी में इतना ज्यादा ठंडा लग रहा था, उसके बाद फिर कहते हैं इतना ज्यादा ठंडा लग रहा था, पहले मैं ऐसे कांप रहा था, पहले जा ही नहीं रहा था पानी में, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा करके ठीक हो गया, मैं आराम से ऐसे तैर रहा था। फिर बाकी जैसे मैं खड़े उठ रहा था, हवा चली, मैं वहां पर
जैसे वापस लेट जा रहा पानी में, पानी मेरे को गर्म लगने लगे था, बाहर ठंडा लगने लगे था। फिर जल्दी पानी में मैं चल ही नहीं पा रहा था, पैर इतने ज़्यादा भारी हो गए थे। मैं चल रहा था, पत्थर कहीं से कहीं भी फिसल जा रहा था, पता नहीं अपने मेरे को कंट्रोल नहीं आ रहा, कहीं भी ऐसे करके फिसल गया, कभी गिर गया। चलो ये सब बैग वैग अपना समेटो, रख के आओ उधर अच्छे से, फिर सोते हैं। और जब भी कहते हैं मेरे साथ वहाँ पर आदि भी था ना, तो आदि ना आया था, तो उसको कहते जब भी वो ऐसे नीचे जा रहा था, उसके हाथ में हमेशा काई आ रही थी, उसके हाथ में काई आ रही थी। ये बैग रखो, क्या क्या ले जाना है? मेरे को मैथ्स की बुक और नोटबुक और ये बुक, नोटबुक ले जाने की जरूरत तो है नहीं, वैसे फिर भी ले जाऊंगा। कहाँ है नोटबुक उसकी? नोटबुक हाँ जाओ। चलो फिर, लाइट चली गई इसके साथ, ये तो आपका फोन भी चार्ज ना बंद हो गया, तो चलो फिर चलते हैं। पहले रख के आओ, फिर ये भी इनके साथ ले जाओ, फिर इनको बाहर निकाल देना। हाँ बाहर क्या निकालना है, इन सबको ले जाना है। नोटबुक रख लेना, जाओ। चलो फिर मैं चल रखने जाता हूँ, बैग रखने जाता हूँ। हाँ लाइट नहीं है, अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है। कल पूरे 10 दिन बाद में स्कूल जाऊँगा, खतरनाक वाला एक्साइटेड हूँ मैं, पूरा जाऊंगा बहुत टाइम बाद, अपने दोस्तों से मिलूंगा, पेपर दूंगा, कॉपी देखूंगा, दूसरी कॉपी भी देखूंगा। चलो फिर अभी तो मैं चलिए जल्दी से कॉपी रख देता हूँ, उसके बाद आपसे मिलूंगा। बैग वगैरह वाले मतलब उधर से कॉपी वगैरह रख दिया, टेबल में रख दिया, और अब टाइम आ गया मस्त करके सोने का, तो जल्दी जल्दी से आराम से रेस्ट करने का टाइम है, रेस्ट करने का, सोने का नहीं है, तो मस्त करके मैं रेस्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर उसके साथ में व्लॉग को भी एंड कर देता हूँ। तो अगर आपको ये व्लॉग तो अच्छा लगा ही होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, डिसलाइक मत कीजिएगा, अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोई ऐसे नहीं, रील की तरह, गुड बाय।